बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने आज बेलापुर सेक्टर 15 इलाके में ओपन जिम और जॉगिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। प्रभागी 107 में इन उपक्रमों का विकास स्वयं मंदाताई मात्रे के ही विधायक निधि से किया गया है। आज इसका शुभारंभ करते हुए बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने विश्वास जताया कि ओपन जिम और जॉगिंग ट्रैक से स्थानीय युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को अपनी सेहत को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक दीपक पवार, समाज सेविका एडवोकेट रेशमा पवार समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। बेलापुर प्रभाग 107 के स्थानीय नागरिकों को आज विधायक मंदा मात्रे ने ओपन जिम और जॉगिंग ट्रैक की बड़ी सौगात दी। सेक्टर 15 में दिख रहा है ओपन जिम और जॉगिंग ट्रैक बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने अपने विधायक निधि से तैयार कराया है। आज तमाम वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में खुद मंदाताई मात्रे ने इसका लोकार्पण किया। यहाँ पूर्व नगर सेवक दीपक पवार, समाज सेविका एडवोकेट रेशमा पवार समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर मंदाताई मात्रे ने कहा कि प्रभाग 107 में ऐसी सुविधाओं की बड़ी जरूरत थी। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे उपक्रमों से सभी जनों को अपनी सेहत अच्छी रखने में मदद मिलेगी। अपने विधायक निधि को लगातार सामाजिक सेवा सुविधाओं पर खर्च करने वाली बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बेलापुर मतदार संघामध्ये 24 जिम मी तयार केलेले आहेत, त्यातली 24वी जिम आहे। आणि आपलं हेल्थ हे चांगलं असेल तर देश आणि महाराष्ट्र पण चांगला चालू शकतो। इथे सगळे कोरोनामध्ये सगळे सीनियर सिटीजन बरेचसे प्रॉब्लेममध्ये होते, मग कोविड असेल, त्याच्यानंतर लॉकडाऊन असेल, वेगवेगळ्या प्रकारे सगळे सीनियर सिटीजन बंदिस्त होते। आता कुठेतरी सरकारने त्यांना पिण्याची मुभा दिली आहे, एक्सरसाइज करण्याची, जिममध्ये जाण्याची किंवा वॉक करण्याची। त्यांचं हेल्थ चांगलं असेल तर सगळं काही चांगलं असं मला वाटतं। आणि हेल्थच्या दृष्टिकोनाने मी सगळीकडे जिम दिलेले आहेत, छोट्या खाणी दिल्या आहेत पण त्यांच्यासाठी तेवढ्या बस आहेत, लहान मुलांना त्याच्यात आनंद वाटतो आहे। आणि लोकांना असंच सेवा करावी आणि यांचं असंच माझ्यावर प्रेम राहावं एवढीच माझी इच्छा आहे। ये लोकेशन भी हमसे पूछ के सेलेक्ट की गई है और यह जिम भी हमारे से पूछ के ही लगाया गया है। क्या क्या आइटम है ये भी ताई ने पूछा था और श्री राम जी अपने घाटे साहब और ये अपने दीपक पवार साहब, इनसे हमने गाइडेंस ली। हमारे एक सीनियर मिस्टर गुप्ता है, बीएम गुप्ता जी से, उनसे गाइडेंस ली कि ऐसे होना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी हम लोगों को ताई ने दी है और इसकी वजह से यहाँ बच्चे, बड़े, बूढ़े, लेडीज़ और इतना सेफ एरिया है साहब कि रात को 9-10 बजे तक भी लेडीज़ यहाँ पे आकर के और ये उनको एक्सरसाइज करनी होती है तो एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे खेलते हैं सब कुछ। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए, ये इसको अंग्रेजी में बोलते बून है, इट्स अ बून टू अस, और स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया है ही सही। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।